कोरोना की इस महामारी में अगर सबसे ज्यादा बुरे दिन किसी को देखने पड़े हैं तो वो है गरीब और मजदूर परिवार। कई जगह लॉकडाउन की वजह से इन परिवारों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। लेकिन राजस्थान के धौलपुर जिले में एक ट्रांसजेंडर ऐसे परिवारों के लिए फरिश्ता बनके सामने आई है। इस ट्रांसजेंडर ने राजस्थान के धौलपुर जिले में 30,000 से ज्यादा परिवारों को राशन के किट बांटे हैं ताकि उनका गुजारा चल सके। इन ट्रांसजेंडर का नाम है देविका और भारत सरकार की तरफ से उन्हें इस काम के लिए सम्मानित भी किया गया है। गाइस, आपका इस रिस्पेक्टेड कम्युनिटी के लिए क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एरिया 51, इस रहस्यमय जगह के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। यूएस की ये जगह एलियंस और यूएफओ जैसी मिस्टीरियस चीजों के लिए फेमस है। लेकिन क्या आपको पता है कि एरिया 51 जैसी जगह इंडिया में भी है? जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर पे एक डिस्प्यूटेड एरिया है जहां पर किसी भी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर यूएफओ को देखे जाने की बात लगातार कही जाती रही है। इस एरिया का नाम है द कोंकाला पास, जो कि लद्दाख में है। गाइस, वहां के आसपास के लोगों का यह दावा है कि उन्होंने वहां पर यूएफओज देखी हैं। इनफैक्ट यह भी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट को इसके बारे में पता हो, लेकिन हम आम लोगों के लिए आज भी ये एक रहस्य है। आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आपको इसके बारे में जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।